हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी फैशन बाय अंजू। और आज आपको इस वीडियो में मैं ये कुशन कवर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनाने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में जो बेल बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कॉफ़ी का ढक्कन लिया है और मैंने ये बुकरम ली है। तो हम ढक्कन को इस तरह बुकरम के ऊपर रखेंगे और इसको हम बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। और इसका ड्रॉ करने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसे काट दूंगी बिल्कुल बराबर शेप में। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह मैं इसको काट दूंगी। इस तरह से हम बहुत सारे डिज़ाइन कट कर लेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो 10-12 डिज़ाइन आप कट करके रख लीजिए। अगर कम हो तो और काट लीजिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो किसी दूसरे डिज़ाइन में यूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है, मैंने यहाँ पर 3-4 कलर के कपड़े लिए हैं। आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो, लेकिन अगर हम मल्टी कलर में बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हम इस तरह से ये वाला पीस लेंगे और इसके ऊपर हम चिपका देंगे प्रेस से। अगर आपका ये प्रेस से नहीं चिपकता है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कें, मगर पहले प्रेस बंद कर लें और उसके बाद इसको चिपकाएँ, ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। जैसा आप देख रहे हो मैंने दोनों पैटर्न को इसके कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और अब मैं इसे कट करूंगी। और इसके कट करने से पहले इसके बाहर 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ दें। मैंने यहाँ पर कम कपड़ा छोड़ा है, लेकिन आप 1-1 या 1.5-1.5 इंच का कपड़ा छोड़ें। और उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई लगाकर फोल्ड कर दें। मैंने सारे डिजाइन्स को बनाकर तैयार कर लिया है और जब हम इनको लगाएंगे तो इस तरह से रख कर लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुशन कवर की लंबाई 13.5 बाई 13.5 इंच है और यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से 1-1 इंच छोड़ा है और उसके बाद ये पैच रखे हैं ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पैच सिलाई के अंदर ना आ जाएँ, इसलिए मैंने और इस तरह से गैप रखा है। तो आप भी गैप। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सारे पैचेस को लगा लिया है और मैंने अभी इनके ऊपर कच्ची सिलाई लगाई है। और जब मैं इस सिलाई को उधेड़ कर इन कलर बाई कलर सारे धागे मैच करके पक्की सिलाई लगाकर और धागे उधेड़ कर नीट एंड क्लीन करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सारे पैचेस को लगा लिया है और कलर को भी मैंने कच्ची सिलाई को भी मैंने उधेड़ दिया है, जिससे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कुशन कवर। और अब हम इसका बैक वाला साइड तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने सेम इसी नाप का कपड़ा ले लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर दूसरा कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हम वो बना हुआ डिज़ाइन वाला कुशन रखेंगे और उससे हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो मैंने इसके बराबर कपड़ा काट लिया है और अब जो साइड का कपड़ा है इसको मैं हटा दूंगी और उसके बाद मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। और इसके बराबर कपड़ा काट लिया है तो अब मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से और इसको बीच में से काट दूंगी। पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, इसको सारी मैं सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पर कन्नी है तो यहाँ पर हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इस कपड़े को उठाएंगे और इतना सा थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। और यहाँ से हम
2.5 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे, यानी कि 2.5 इंच के ऊपर हम निशान लगा देंगे। तो निशान लगाने के बाद ये हमारा बीच में 8.5 बच रहा है, तो ये कुशन कवर डालने के लिए बहुत है। तो अब हम इसे यहाँ से उठाएंगे और सिलाई, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और बीच में ये होल बच गया है। और अब मैं ये जो मेरा कुशन है इसको इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैं आपको सिलाई लगाकर और कुशन डालकर दिखाती हूँ। मैंने कुशन कवर बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें कुशन कवर डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक और बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। थोड़ा मैं इसको दूर से दिखाती हूँ इस तरह से। अभी मैंने इसमें दूसरा कुशन डाला है और पीछे से ये इस तरह से ओपन आता है। इसमें मैंने कपड़े की कतरन वाला कुशन डाला है, तो स्पंज वाला कुशन नहीं डाला है, इसलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन जब मैं इसका स्पंज वाला कुशन इसमें डालूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कुशन कवर। और फ्रेंड्स आपको ये कुशन कवर की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में